आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे सहयोगी श्री जयंत सिन्हा जी, मंच पर बैठे हुए महानुभव और साथियों, आज एक ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मुद्रा योजना देश के सामने आरंभ होगी। 28 फरवरी केवल 5 सप्ताह पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से बजट में मैंने इसकी घोषणा की थी और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जनगणना के अनुकूल 5,77,00,000 5.77 करोड़ छोटे लघु और माइक्रो उद्यमी इस देश के अंदर हैं, उनके पास साधन आए विस्तार करने के लिए अपने व्यवसाय को, इसकी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। और 20,000 करोड़ की पूंजी के माध्यम से और उसके अन्य सुविधाओं के माध्यम से ये सुविधा उन लोगों को दी जाए ताकि उनको भी बड़ा बनने का एक अवसर मिल पाए। ये एक बहुत बड़ा अंग है। लगभग हमारे देश की जनसंख्या की 20% लोग हैं जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ये खुद को भी रोजगार देते हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपने इनिशिएटिव के माध्यम से ये बड़ा बनने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में से ये सबसे आगे थी और इसलिए बजट की चर्चा, उसकी आरंभिक स्वीकृति और इस योजना को औपचारिक स्वरूप देना, ये 5 सप्ताह में ही कार्य हम लोगों ने संपन्न किया। फिलहाल सिडबी के माध्यम से इसका लॉन्च हो रहा है। आने वाले कल में ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक अलग बैंकिंग व्यवस्था का अंग बनेगी। इसके प्रमुख की भी नियुक्ति इस 5 सप्ताह में हो चुकी है और इन औपचारिकताओं के रहते हुए इसका काम न रुके और जो ये वर्ग है जिसके साधन नहीं थे, जिसके संबंध में मैंने कहा था दिस इज फंडिंग दी अनफंडेड, जिनको आज तक साधन नहीं मिलता था, उन लोगों तक वो साधन पहुंचे, ये इसका एक प्रयास है। इसका आरंभ हम लोग आज कर रहे हैं। जब से नई सरकार 10 महीने पहले अपना कार्यभार संभाला था तो देश की अर्थव्यवस्था में एक धीमापन आ चुका। सरकार हर स्तर के ऊपर कदम उठा रही है। जितना आर्थिक सुधार के हम लोगों ने कदम उठाए उसके पीछे उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था की गति बढ़े और वो अपने आप में एक्सपैंड हो, उसका लाभ रोजगार अवसरों के माध्यम से देश के गरीबों को भी मिले। लेकिन केवल वो अपने आप में पर्याप्त नहीं था, इसलिए जो उद्यमी हैं उन तक ये लाभ पहुंच सके उसके लिए इस मुद्रा योजना को हम लोगों ने जोड़ा है। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो पहल पिछले कुछ महीनों में की है वो अपने कदम छोड़कर रहेगी। जनधन की जो योजनाएं हम लोगों ने बैंक अकाउंट खोले उसके तहत इस देश का गरीब आदमी बैंक तक पहुंचा। आज प्रयास चल रहा है कि उसके बैंक के खाते के अंदर कुछ साधन जा पाए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है उसके माध्यम से लाखों करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर साधन भी अब जा रहे हैं। इसके साथ साथ उसका जो तीसरा चरण था उसकी घोषणा इस बजट में की गई, जिससे गरीब आदमी को लाभ पहुंच पाए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन योजना, ये सारी पहल थी जो हम लोगों ने ली है। और अगले दौर में
इस गरीब वर्ग तक स्वास्थ्य की योजना कैसे पहुंच सके, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस व्यवस्था के बाहर है, और इसमें विशेष रूप से मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जो इस देश में गरीब, दलित, ट्राइबल्स, बैकवर्ड्स, जो भूमिहीन है। ये जो भूमि सुधार अधिनियम हम लोग लाए, उसमें जो पूरी कल्पना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, जब देश में कई स्थानों पर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, तो इस वर्ग को जो 30 करोड़ से अधिक है, 300 मिलियन, जो लैंडलेस है, उसके रोजगार के साधन केवल उसमें से उपलब्ध होंगे। ये सरकार के सामने एक पद है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जो लॉन्च होगी, जिसका शुभारंभ होगा, ये मुद्रा योजना इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या तक साधन पहुंचाने का अपना काम निभाएगी, जिससे उन लोगों की अर्थव्यवस्था और उनकी आगे रोजगार बढ़ाने की जो क्षमता है वो अपने आप में और मजबूत होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली जी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करते हैं कि कृपया मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।